पश्चिम बंगाल से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। ममता ने कहा, मुझे भी गिरफ्तार कर लो। तृणमूल कांग्रेस की सरकार बनते ही नारदा घोटाले की जांच फिर से शुरू हुई है। इस घोटाले के आरोपी कैबिनेट मंत्री फरहाद हकीम, कैबिनेट मंत्री सुब्रत मुखर्जी, टीएमसी विधायक मदन मित्रा और पूर्व बीजेपी नेता सोवन चटर्जी के घर पर सीबीआई ने छापेमारी की। इसके बाद इन चारों को सीबीआई दफ्तर लाया गया है। टीएमसी नेताओं को सीबीआई दफ्तर लाने के बाद पश्चिम बंगाल की सियासत में भूचाल आ गया है। नेताओं के समर्थन में प्रदर्शन होने लगा। इस बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी सीबीआई दफ्तर पहुंच गई। सीबीआई के अफसर ममता के मंत्रियों और विधायकों से पूछताछ कर रहे हैं। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की मिल रही है पश्चिम बंगाल से। सूत्रों का कहना है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सीबीआई के अफसरों से कहा है कि अगर आप इन चार नेताओं को गिरफ्तार कर रहे हैं तो मुझे भी गिरफ्तार करना पड़ेगा। राज्य सरकार या कोर्ट के नोटिस के बिना इन चारों नेताओं को गिरफ्तार नहीं कर सकते। अगर फिर भी गिरफ्तार करते हैं तो मुझे भी गिरफ्तार किया जाए। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की पश्चिम बंगाल। एक बार फिर से ममता बनर्जी सत्ता पर काबिज हुई हैं, लेकिन एक बार फिर से सियासत में भूचाल होता हुआ नजर आ रहा है। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की सरकार बनते ही नारदा घोटाले की जांच एक बार फिर से खोल दी गई है। फिर से जांच शुरू हो गई है। चार मंत्री ममता बनर्जी के, जिनसे पूछताछ कर रही है सीबीआई, ममता बनर्जी खुद दफ्तर पहुंच गई हैं और कह रही हैं कि मुझे भी गिरफ्तार कर लो। देखना होगा इस पूरे मामले में अब क्या मोड़ आता है।